पंडित जी, पाप ग्रहों की दशाओं के बारे में आपने बताया, जो मारक ग्रह होते हैं उनकी दशाओं का क्या असर है? प्रवीण जी देखिए, पाप ग्रह और मारक ग्रह में थोड़ा अंतर है। कोई जरूरी नहीं है कि जो पाप ग्रह हो वो मारक ग्रह भी हो। मारक ग्रह कुंडली के मारक स्थान का स्वामी है। जो मारक ग्रह है वो शुभ ग्रह भी हो सकता है और अशुभ ग्रह भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बृहस्पति मारक नहीं होते, बृहस्पति भी मारक होते हैं, शुक्र भी मारक होते हैं, चंद्र भी मारक होते हैं, बुध भी मारक होते हैं। यानी मारक ग्रह तो कोई भी ग्रह बन सकता है, कुंडली की पोजीशनिंग के हिसाब से, कुंडली में उसकी स्थिति और उसके स्थान के हिसाब से। मारक दशा वो दशा होती है जिसमें व्यक्ति की मृत्यु की संभावना होती है या मृत्यु तुल्य कष्ट पाने की संभावना होती है। जब मारक दशाएं कुंडली में चलती हैं तो जिस ग्रह की मारक दशाएं चल रही हैं उस ग्रह की शांति करानी होती है, उस ग्रह से संबंधित उपाय करने होते हैं, और अगर जीवन मरण का प्रश्न है तो महामृत्युंजय मंत्र, राम रक्षा स्तोत्र, नारायण कवच जैसे अनुष्ठान करने होते हैं ताकि व्यक्ति के आयु की रक्षा हो सके। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि यदि पीपल के वृक्ष की पूजा की जाए तो शनि से संबंधित बाधाएं परेशान नहीं करती? प्रवीण जी, पीपल के वृक्ष को हिंदू धर्म शास्त्रों में बड़ा पवित्र मानते हैं, बहुत ज्यादा। एक तो पीपल भगवान कृष्ण का स्वरूप है और भगवान कृष्ण जो हैं वो शनिदेव के इष्ट देव हैं। इसीलिए जब आप पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं तो दरअसल आप भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, और ऐसी स्थिति में शनि आपसे प्रसन्न होते हैं, शनि की पीड़ा कम होती है। दूसरी, एक पिप्पलाद मुनि की कथा आती है, भगवान शिव के रुद्र माने जाते हैं महर्षि पिप्पलाद। महर्षि पिप्पलाद ने शनि को दंड दिया था और शनि ने तब उनको आश्वासन दिया था कि जो कोई भी पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा, उपासना करेगा, उसको शनि की पीड़ा नहीं होगी। तो इन दो कारणों से ऐसा माना जाता है और ऐसा होता भी है कि पीपल का पौधा लगाने से, उसमें जल देने से, उसकी पूजा करने से शनि संबंधी बाधाएं परेशान नहीं करती है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।